इसको अब चला गया दिखी ना रहा नमस्कार मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्या कुल पर स्वागत करता हूं चलिए बच्चों आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए जितना ज्यादा जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा चलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ प्रिंस कुमार हेलो सर जय हिंद शिव पांडे शिवा पांडे जय हिंद जय हिंद गुनगुन केशरवानी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बेटा क्या हाल है अर्पित यादव सर टेन पीएम पे टेन की क्लास है ना नहीं नहीं बेटा दस बजे क्लास है ये जानकारी मुझे है नहीं अभी फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर मैं आपको बताता हूं ठीक है अभी आपने देखा था क्या आ, अपकमिंग क्लास में दिखा रहा है आपको अगर अपकमिंग क्लास में दिखा रहा है मोहित यादव बेटा स्वागत है आपका सभी लोग आ जाइए फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे ठीक है नहीं मुझे लगता है कि मेरी कोई क्लास नहीं है मैंने अभी चेक किया है और ये आज आप लोगों की जो क्लास है वो नाइन्थ की क्लास है और नाइन्थ की क्लास आप लोगों को ज्वाइन करनी है जितने भी बच्चे कक्षा अच्छा नौ में पढ़ रहे हैं वो लोग जरूर आ जाएं जितने भी बच्चे कक्षा अच्छा नौ में हैं आज वो आ जाएं फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देते हैं चलो बच्चों आज आप लोगों का सेकंड चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिएगा एग्जाम में आपके हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन बनता है वहां से यानी आपके एग्जाम में वहां से प्रश्न बनने की संभावना 101 होती है और यह चीजें आपको कक्षा दस में जरूर ही जरूर उपयोग में आने वाली हैं बच्चों में आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा अगर आपने कक्षा नौ अच्छे से पढ़ा तो कक्षा दस में कई चीजें ऐसी हैं जो कक्षा नौ से संबंधित होती हैं, रिलेटेड होती हैं। चाहे वह कोई भी विषय हो जैसे आप लोग जब परमाणु यानी जब सूत्र लिखना सीखेंगे तो वहां पर आपको परमाणु की संरचना में बहुत ज्यादा काम आने वाला है ऐसे ही आप लोग जब सूत्र लिखना सीखेंगे तो आपको कार्बन से संबंधित जो वहां पर सूत्र लिखना होगा वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी वहां पर मिलने वाली है तो बच्चों कक्षा नौ अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कक्षा दस में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी इस बात की गारंटी है तो इसीलिए कक्षा नौ को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए वरना आप समझ जाइए कक्षा दस में फिर कक्षा नौ को पढ़िएगा और बार बार आप टीचर को पूछिएगा परेशान करिएगा कि सर यह वाला कैसे होता है जबकि सच्चाई ये है कि वो चीजें आप कक्षा नौ में पढ़ चुके होंगे तो कक्षा दस में अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो कक्षा नौ आपको अच्छे से पढ़ना होगा ठीक है तो चलिए आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेकंड चैप्टर और देखिएगा सेकंड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आज ये तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है ध्यान दीजिएगा नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं तो आइए इन्हीं चीजों को आपके सामने आज हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं शिवा पांडे कह रहे हैं सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए आपकी मर्जी हम तो आपसे कह ही सकते हैं और तो हम आपसे कुछ नहीं कह सकते तो चलो बच्चों आज आपको पढ़ाते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है देखो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे भौतिक है यह रसायन है अच्छा आप लोगों को पता होगा भौतिक का मतलब क्या होता है और रसायन का मतलब क्या होता है भौतिक मतलब होता है बेटा है। और रसायन मतलब होता है आंतरिक तो आपको वाह एवं आंतरिक परिवर्तनों में अंतर समझना होगा तभी आप जाकर के चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके सामने ये बोतल है अब हमने क्या किया इस बोतल ये मान लो ये बोतल प्लास्टिक है और इस बोतल को हमने क्या किया क्या बना दिया एक बॉल बना दी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका क्या आंतरिक संगठन परिवर्तित हुआ तो आप कहोगे नहीं सर आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आइए मैं आप लोगों को अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में समझाने का प्रयास करता हूं चलो देखो इधर ध्यान से बेटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए भौतिक का मतलब होता है वाह और रसायन का मतलब होता है आंतरिक तो अब आप लोगों को इन्हीं दोनों में अंतर ढूंढना है यानी वाय परिवर्तन क्या होता है आंतरिक परिवर्तन क्या होता है इसी पर आज हम संपूर्ण क्लास पे चर्चा करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा पिछली क्लास में आपने पढ़ा पिछली कक्षा में यानी पिछली चैप्टर में कठोरता बहाव दृढ़ता क्वना अंक गलना अंक बताओ बच्चों यह किसका स्वभाव है यह भौतिक परिवर्तन के स्वभाव है या यह, यह रासायनिक परिवर्तन के स्वभाव है बताइए क्या यह भौतिक परिवर्तन का स्वभाव है या यह रासायनिक परिवर्तन का स्वभाव है जितनी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं तो अगर आप इन चीजों में अंतर जान गए तो समझ जाइए आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है और कौन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है बताइए जो बदलने के बाद पुनः उसी रूप में आ जाए भौतिक परिवर्तन और जो बदलने के बाद पुनः उस रूप में ना आ आ आ आ आ आ आए वह रासायनिक परिवर्तन चलिए आपकी परिभाषा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्तर पर सही है लेकिन यहां पर मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा ठीक है तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को ठीक है चलो देखो एक बात ध्यान रखना कठोरता का मतलब क्या होता है हार्डनेस कठोर वस्तु जो होती है वह किसी भी वस्तु का भौतिक रूप होता है अगर कोई चीज बह रही है तो उसका वह क्या होता है भौतिक रूप होता है अगर वह दृढ़ है रिजिड है तो याद रखिएगा वह भी एक भौतिक रूप होता है और मान लीजिए किसी भी वस्तु का क्वनांक और गलनांक है तो वह भी उसका भौतिक रूप होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको देखिएगा ध्यान से यदि आंतरिक संगठन में कोई परिवर्तन ना हो यदि आंतरिक संगठन में संगठक में कोई परिवर्तन ना हो ना हो लेकिन वह वह संगठन में परिवर्तन हो जाए तो याद रखिएगा वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है और जिसमें आंतरिक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन तो आप जरा ध्यान से समझिए किसी भी वस्तु या पदार्थ की वाह संरचना में परिवर्तन और आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन ना हो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं लेकिन अगर किसी पदार्थ के आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाए तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जानते हैं बताइए यहां तक किसी भी तरीके की कोई समस्या है जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा हाँ, फिजिकल चेंज कहते हैं यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए अब मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा आपके सामने चलो अब देखो आगे क्या आप लोगों को समझना है आप लोगों को पता होना चाहिए मैं आपके सामने दो चीजें लिखता हूं तीन चीजें जल बर्फ वाष्प बताइए तीनों एक ही है या अलग अलग चीजें हैं बताइए बच्चों क्या समझना चाह रही हो राधा राधा मैं आपको समझाना चाहता हूं ध्यान से समझिएगा बच्चों अगर मान लीजिए आप किसी भी वस्तु के मान लीजिए या बोतल है इसको मैं तोड़ मरोड़ दूं। तो इसके वाह संरचना में जो परिवर्तन होगा उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे लेकिन अगर आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाए तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है अब आप ये बताओ क्या जल बर्फ और वाष्प क्या यह तीनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है आल जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है हां सर यह तीनों एक ही है देखो जल से ही बर्फ बनता है जल से ही वाष्प बनता है यानी तीनों के तीनों जो है वह एक ही पदार्थ है लेकिन यह एक ही पदार्थ के अंतर्गत आता है लेकिन एक बात बताओ अगर मैं जल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा H2O बर्फ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा H2O वाष्प लिखूंगा तो क्या लिखूंगा एच टू ओ बताओ क्या जल बर्फ और वाष्प में आंतरिक परिवर्तन होता है या नहीं तो जल का बर्फ बनना बर्फ से जल बनना और या तो मान लीजिए आप बर्फ से जल बना दीजिए जल से बर्फ बना दीजिए जल से वाष्प बना दीजिए क्या जल के आंतरिक संगठन में कोई परिवर्तन होगा बताइए तो बच्चों ध्यान रखना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भौतिक परिवर्तन में वाह परिवर्तन होता है ना कि आंतरिक परिवर्तन होता है अब यहां पर एक ब्या समझने वाली बात है जल एक अवस्था है जल एक अवस्था है और यह बर्फ भी एक अवस्था है और वाष्प भी क्या है यह भी एक अवस्था है तीनों अवस्थाएं हैं जल से बर्फ बनना यह अवस्था परिवर्तन है यानी भौतिक परिवर्तन है और बर्फ से फिर जल बनना यह भी एक भौतिक परिवर्तन है और याद रखिएगा जल से वाष्प बनना भी यह एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है बोलिए कोई दिक्कत समझ में आ गई बात हाँ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आप लोग अंतर जान गए चलो आगे बढ़ते हैं बेटा आप लोगों को कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए अब आपको कुछ चीजें बताते हैं ध्यान से देखना ये जल है और ये तेल है बताओ दोनों एक ही पदार्थ है या अलग अलग पदार्थ है जल और तेल दोनों एक ही पदार्थ है या अलग अलग पदार्थ है जल और तेल दोनों अलग अलग पदार्थ हैं या एक ही पदार्थ है अलग अलग पदार्थ है बिल्कुल सही बात है ठीक है जल को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे H2O के रूप में लिखेंगे लेकिन अगर हम तेल को लिखना चाहें तो CHO यह आपका कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है इसका मतलब यह होता है कि भैया जल भी क्या है जल भी द्रव है और तेल भी द्रव है लेकिन दोनों के रासायनिक संगठन में बहुत बड़ा अंतर होता है ध्यान रखिएगा दोनों द्रव हैं, लेकिन दोनों के संगठक में बहुत बड़ा अंतर होता है एक एसटूओ है तो दूसरा सीएचओ होता है यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है केमिकल बैलेंसिंग तो बहुत आसान है बेटा वो तो कक्षा दस में है और केमिकल बैलेंस करना बहुत आसान होता है वो मैं आपको कक्षा दस में समझाने का प्रयास करूंगा जब आपको पढ़ाया जाएगा तो तो दोनों में अंतर है द्रव में भी अंतर है द्रव इन दोनों द्रवों में अंतर है सुनिए तेल किसी चीज को जलाता है तेल किसी चीज को जला देता है और याद रखना बेटा जल किसी चीज को क्या करता है बुझा देता है तो कहने का मतलब तेल में एक करैक्टर पाया जाता है जलाने का और बुझाने का करेक्टर जल में पाया जाता है तो दोनों की संरचना में बहुत बड़ा अंतर होता है तो ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए तेल को हम जला दें मान लीजिए चलो ये जल है इसको जलाएंगे तो वाष्प बनेगा लेकिन अगर हम इस तेल को जलाएंगे तब क्या बनेगा तो तेल को जब हम जलाते हैं तो वाष्प नहीं बनता है वह सेचुरेटेड फैट के अंतर्गत आ जाता है तो यह बताइए जल और तेल दोनों द्रव हैं लेकिन दोनों के रासायनिक संगठन में बहुत बड़ा अंतर है तो बताओ जल के भीतर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है जबकि तेल के भीतर बहुत बड़ा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है जलाने के पश्चात चलिए तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को अच्छा आप ट्वेल्थ में हैं कोई बात नहीं देखिए रासायनिक का रासायनिक परिवर्तन से नवीन पदार्थ का निर्माण होता है नवीन पदार्थ का निर्माण होता है लेकिन एक बात बताओ क्या भौतिक परिवर्तन से किसी भी तरीके के नवीन पदार्थ का निर्माण होता है नहीं होता है ध्यान रखिएगा जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दूं तो बताइए बेटा CO2 बन जाएगा। अगर हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया तो क्या बन जाएगा पानी बन जाएगा H2O हो गया बैलेंस तो है नहीं इसलिए हम इसको बैलेंस करेंगे तो एक काम करते हैं यहां पे ऑक्सीजन दो है तो यहां भी कर देते हैं ऑक्सीजन दो हो गया हाइड्रोजन दो तो ये आपका बैलेंस हो गया रासायनिक परिवर्तन से नवीन पदार्थ निर्मित होते हैं यह हमेशा याद रखना ठीक है देखो कार्बन हो गया ऑक्सीजन हो गया कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ जला दिया तो नवीन पदार्थ बन गया क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दीजिए तो क्या बन गया जल बन गया तो ऐसे ही रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आप हमेशा देखते रहेंगे तो अच्छा एक प्रश्न है आपसे देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं बताइए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या दोनों परिवर्तन है बताइए आप लोग ये कौन है जो कह रहा है मैं यहां पढ़ाता हूं वहां आ? नहीं 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 जहां आप पहले पढ़ाते थे <laughs> एक लड़का है पता नहीं माय लाइफ पी एंड आई एस अभिषेक त्रिपाठी कौन है चलो कोई बात नहीं ओके जो बदलने के बाद पुनः उस रूप में ना आ सके उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं अब आपका टेस्ट होने जा रहा है नहीं आप सभी लोग उत्तर जितने भी बच्चे उत्तर दे रहे हैं सब गलत गलत दे रहे हैं मैं बताता हूं बेटा याद रखना मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का जलना क्या है तो यह दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आता है यानी बच्चों यह भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक भी है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है ध्यान रखना बोलिए क्लियर है अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ यह भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या है इसमें ज्वाला का भी निर्माण होता है और मोम गल जाती है अवस्था परिवर्तन भी हो जाता है बोथ होता है बेटा रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन के अंतर्गत इसको माना जाता है दोनों है चलो आगे बढ़ते हैं अब आप लोगों का कुछ टेस्ट लेते हैं नाइन्थ की कक्षा से ही है पेड़ का काटना क्या है रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है बताइए दोनों है बेटा मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन होता है भौतिक एवं रासायनिक बोथ चेंज होता है ध्यान रखिएगा अच्छा एक बात बताओ जब कभी भी आप मोमबत्ती जलाते हो तो मान लो आप जलाते हो तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया होती है तो यह बताओ कुछ बनता होगा तो अगर कार्बन जल रहा है तो ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये तो हो गया केमिकल परिवर्तन दूसरा मोमबत्ती की अवस्था में भी तो परिवर्तन हो रहा है वाह संरचना में भी तो चेंज हो रहा है तो इसीलिए ध्यान रखिएगा मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है तो ठीक है आप अपना जानते रहिए जो हमें पता है वो एथेंटिक पता है जानकारी चलिए आगे बढ़िए अरे इसका बताओ ये क्या है पेड़ का काटना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है हां यह भौतिक परिवर्तन है और बताते हैं मक्खन का पिघलना मक्खन का पिघलना बताइए कौन सा परिवर्तन है यह बताओ मक्खन का पिघलना कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आता है बताओ बच्चों मक्खन का पिघलना कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आता है फिजिकल चेंज बिल्कुल सही है अगला चलते हैं अब बताना आप लोग आलमारी में यानी आलमारी लोहे की है लकड़ी की नहीं है आलमारी में जंग लगना बताओ कौन सा परिवर्तन है ये ये सब कक्षा नाव में दिया हुआ है बताइए आलमारी में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है बोलिए आलमारी में जंग लगना रस्टिंग होना हां बिल्कुल सही जवाब है यह होगा रासायनिक परिवर्तन ऑक्सीडेशन होता है ना इसलिए अच्छा चलो आगे बताते हैं जल से वाष्प बनना यह कौन सा परिवर्तन है यह सब एग्जाम में आते हैं प्रश्न आपके जल से वाष्प बनना बताओ बच्चों जल से वाष्प का निर्मित होना क्या कहलाता है सब गलत बता रहे हो केवल एक वीरेंद्र कुमार गुप्ता है वो सही बता रहे हैं जल से वाष्प बनना अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था यह एक भौतिक परिवर्तन है और बेटा याद रखना जल से बर्फ का बनना भी भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये अच्छा आगे बढ़ते हैं लकड़ी और कागज जलाना यह क्या है लकड़ी और कागज को जलाना यह क्या है बोलो बताओ बच्चों लकड़ी और कागज को जलाना क्या है लकड़ी का जलना एक कागज का जलना यह रासायनिक परिवर्तन में आता है क्योंकि कार्बन जलता है ऑक्सीजन के साथ तो सीओ टू बन जाता है ध्यान रखिएगा चलो तो बेटा आज हमने आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानकारी दी थी तो आज के लिए इतना ही रखेंगे कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए कल कक्षा नौ की फिर क्लास होगी और वह क्लास होगी वर्गीकरण की तो वर्गीकरण में आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए कल आपको ठीक नौ बजे हम आपको पढ़ाएंगे क्या वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें चलो बाय बाय थैंक यू सो मच गुड नाइट